Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है समिता कुलकर्णी जी ने और ये लिखते हैं वेरी नाइस सर नमस्ते सर, कर्क लगन में शुक्र पहले भाव में प्लेस है तो क्या डायमंड पहन सकते हैं? लगन में ही चंद्रमा प्लेस है 25 डिग्री पे, प्लीज मार्गदर्शन करना। देखिए लगन, हालांकि लगन को बोला जाता है कि लगन जो है आपके बर्थ चार्ट में सबसे हाई पोजीशन होती है लगन की, और लगन में अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो उसका जो असर है आपकी ओवरऑल पूरी लाइफ पर होता है और उससे आपकी हेल्थ भी देखी जाती है। लेकिन कोई प्लेनेट अगर लगन में बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी पोजिशन में है तो उसका आप जेमस्टोन पहन सकते हैं। और जैसा आपने बताया है कि आपका जो एसेंडेंट है वो है कर्क एसेंडेंट यानी कैंसर एसेंडेंट। कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए शुक्र मैलेफिक होता है क्योंकि एक तरफ मून और एक तरफ वीनस, मून यानी मिल्क, वीनस यानी कर्ड, तो मिल्क और कर्ड का कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता है। तो अगर आपका कैंसर एसेंडेंट है तो आप वीनस का जेमस्टोन यानी डायमंड या और डायमंड का जितना भी जो सब्स्टिट्यूट होता है वो पहन नहीं सकते हैं। और वीनस की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में चाहे कहीं भी हो, किसी भी हाउस में हो, तब भी आप वीनस का जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं। तो अगर आपका एसेंडेंट लिब्रा है, टॉरस है, जेमिनी है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, तो आप डायमंड पहन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शुक्र की प्लेसमेंट को देखना है। शुक्र अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है तब आप डायमंड भी नहीं पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपका एसेंडेंट लियो है, एरीज है, सेजी है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, और शुक्र अगर आपका फर्स्ट हाउस में है या केंद्र भाव में कहीं भी प्लेस्ड है या लाभ भाव में है, त्रिकोण भाव में है, सेकंड हाउस में है, कितनी भी अच्छी पोजीशन में क्यों ना हो, चाहे अपने एग्जल्टेशन में क्यों ना हो, चाहे अपने ओन साइन में क्यों ना हो, फिर भी आप डायमंड या डायमंड का सब्स्टिट्यूट नहीं पहन सकते हैं यानी शुक्र का रत्न आप नहीं पहन सकते। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था समिता जी का और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चन भेजते रहेंगे ताकि उसके ऊपर हम अच्छी अच्छी वीडियोज बनाते रहें। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया शुक्र के रत्न के बारे में कि अगर शुक्र की प्लेसमेंट आपके फर्स्ट हाउस में होती है तो आप शुक्र का जेमस्टोन पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने रत्नों के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।